तो एंटमैन एंड द वेस्ट क्वांटमेनिया के सेकंड ट्रेलर के आने के बाद अलग अलग फैन थ्योरीज की इंटरनेट के ऊपर बाढ़ आ चुकी है और मार्वल ऐसा ही चाहता था। यूएस हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद से मार्वल अपने किसी भी ट्रेलर में फेक चीजें ऐड नहीं कर सकता, तो मार्वल ने इतनी बढ़िया टेक्निक का इस्तेमाल किया ताकि पब्लिक का मूवी के सेंटर ऑफ अट्रैक्शन से ध्यान ही हट जाए, वो है एंटमैन की डेथ। देखो कुछ चीजों को छुपाने का सिंपल सा फंडा है कि पब्लिक को वो सब कुछ बता दो जो कंट्रोवर्सी क्रिएट करे, और मार्वल ने वैसा ही किया, पूरी मूवी की कहानी को 2.5 मिनट के ट्रेलर में बता दिया। कैंग द कॉन्करर को हम मूवी देखने वाले हैं, हम सबको बहुत पहले से पता था, पर किसी भैनचोद ने ये कैंग द कॉन्करर को मूवी में देखने वाले हैं, हम सबको बहुत पहले से पता था, पर किसी ने भी मोर्डो को कॉन्ट्रोल में हो सकता है ये नहीं सोचा होगा। कैंग से ज्यादा इंटरनेट पे मोर्डो के चर्चे हो रहे हैं, उसके अलावा टाइम, रियलिटी, मल्टीवर्स और एंटमैन और कैंग के बीच में किसी तरह की डील। मार्वल वालों ने यहाँ इतना स्मार्ट प्ले किया कि किसी ने एक बार भी ये नहीं सोचा कि मार्वल बिना किसी वजह के अपने ट्रेलर में इतना सब कैसे दिखा सकता है। मुझे ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा कि मैंने मार्वल का इससे पहले कोई ट्रेलर देखा हो जिसमें मार्वल ने अपने ट्रेलर में ही पूरी कहानी को रिवील कर दिया हो। ये बहुत लंबे टाइम से एक रूमर चल रहा था कि इस मूवी में एंटमैन की डेथ होगी, और इसकी एक फुटेज कुछ दिन पहले लीक भी हुई थी जिसमें हम एंटमैन को बुरी हालत में देख सकते हैं। लॉजिक के हिसाब से देखा जाए तो भाई कैंग कोई चने बेचने वाला नहीं है, वो कैंग दी कॉन्करर है, उसको कॉन्करर नाम ऐसे ही नहीं मिला। कॉमिक में कैंग ने फ्यूचर में अवेंजर्स को खत्म किया, फैंटास्टिक फोर को लिटा लिटा कर मारा, और एक्समैन भाई उनका तो पूछो मत। कैंग स्कॉट और उसके पूरे खानदान को एक चुटकी में खत्म कर सकता, और ये बच्चों पे भी रहम नहीं करता। ट्रेलर में एंटमैन कैंग से अकेला भिड़ गया, यार इसके सिर्फ दो ही कारण हो सकते हैं, या तो इस बंदे के पास इस बार कोई हुकुम का इक्का है, और या तो इससे बड़ा दुनिया में कोई चूतिया नहीं है। और एमसीयू का फेज 4 तो यंग एवेंजर्स पे ही डेडिकेटेड था, और स्कॉट की बेटी आने वाले टाइम में यंग एवेंजर्स में ही शामिल होने वाली है, इसीलिए इस बात की भी पॉसिबिलिटीज है कि स्कॉट अपनी बेटी को बचाने के चक्कर में एंटमैन और एमसीयू का सफर यहीं पे खत्म कर देगा। देखो मूवी के लिए अभी से बहुत सारी फैन थ्योरीज बन रही हैं, और ये भी एक फैन थ्योरी ही है, पर ये 80% मूवी में प्रैक्टिकली हो सकती है। इस बारे में तुमको क्या लगता है, क्या हमारा और एंटमैन का एमसीयू का सफर यहीं पे आगे खत्म होगा? नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। हो सके तो एक सब्सक्राइब कर देना, एक लाइक कर देना, एक आध शेयर कर देना। बाकी मिलते हैं मार्वल की कहीं कहानियों के अगले चैप्टर में।